नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद टुडे में। आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा श्री नाथजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और दर्शन के बाद अपने समर्थकों की रैली और जुलूस के साथ पूरे नाथद्वारा में भ्रमण करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुँचे और वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि विकास की जीत हमेशा होती आई है, होती रहेगी, चाहे विपक्ष पार्टियां कितना भी मजबूत चेहरा उतार दें, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय जो जनता है उसने विकास देखा है और आगे भी देखती रहेगी। वहीं डॉक्टर सीपी जोशी की इस नामांकन में रैली के दौरान वहाँ पर सभा रखी गई, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मिलित हुए। अशोक गहलोत द्वारा लगातार उनकी सरकार द्वारा योजनाओं को गिनाया गया। वहीं भाजपा सरकार को कोसते हुए कहा कि इनकी नकारात्मक सोच इनको आगे नहीं बढ़ने दी जा रही है। इसी को लेकर हमने इनकी सारी योजनाओं को हमारी सरकार में निरंतर रखा है, न कि हमने बंद किया है। इस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी के साथ वैभव गहलोत भी शामिल हुए और कई वहां पर समर्थक और उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनते हैं अशोक गहलोत के संवाद। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय साहब का स्वागत किया जा रहा है। परम आदरणीय सीपी जोशी साहब द्वारा, जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी राठौर साहब द्वारा, गुर्जर साहब के द्वारा। भैया ठीक है, अरे भैया पीछे आ जाओ थोड़ा सा यार, भी कर लो अभी। ओके। इसी क्रम में वैभव जी निवेदन करू, हरि सिंह जी राठौर साहब जिलाध्यक्ष आप बता रहे हैं, अपना उद्बोधन देने इसकी हम लेके आए हैं। राजस्थान की चर्चा और पूरे देश के अंदर हो रही है, इतनी स्कीम हम लेके आए हैं। महंगे राज शिविर लगाए हम लोगों ने, जो राहुल गांधी जी ने कहा चार मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चलना चाहते हैं। भयंकर महंगे के दौर हैं, हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। हमारे कोविड प्रबंधन उन्होंने किया, भीलवाड़ा मॉडल, वो भी पूरे देश के अंदर दुनिया में पहुंच गया, भीलवाड़ा मॉडल WHO ने तारीफ भी करी। हमने जो काम किया, प्रबंधन किया, इलाज फ्री किया, ऑक्सीजन की मौतें उन्हें दी, वो भी एक इतिहास में दर्ज हो गया। तो काम की कोई कमी रही नहीं है। अब 25 लाख का बीमा बताइए, आप हिंदुस्तान में कहीं पर हैं? 25 लाख का बीमा, इलाज का फ्री इलाज, कोई बाईपास करवा रहा है, कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई किडनी ट्रांसफर करवा रहा है। लोग तो हर बात समझते नहीं हैं। ओनली राजस्थान राज्य है देश के अंदर जहाँ पूरी पब्लिक के लिए है ये, बाकी राज्यों में आबादी 20% की है, 30% तक के लिए है। भारत सरकार की खुद की स्कीम जो है खाली सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया हुआ लोग हैं उनके लिए है। राजस्थान की स्कीम चिरंजीव योजना सबके लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई व्यक्ति हो। इतना इलाज हो रहा लोगों का, लोग खुश हो गए। कानून पास कर दिया हमने स्वास्थ्य अधिकार का, ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बाकी तो आप देखते हैं कि दुर्घटना बीमा कर दिया, कामधेनु योजना का गायों के लिए, लंबी रूप में गाय मर गई थी, देश में कहाँ पैसा मिला? हमने प्रति गाय मर गई लंबी रोग में 40,000 रुपये मैंने दिए गायों को, जो गाय मर गई थी पशुपालकों के लिए। आगे उनके लिए बना रहे का इंश्योरेंस कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, 500 में गैस सिलेंडर, आप देखा उज्ज्वला योजना के लिए, इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं उनकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर हो रही है और आगे भी मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रखेंगे। हमने 7 गारंटी भी दी है, अभी देखा होगा आपने काम यहाँ क्या क्या किए। मेरे ख्याल मेरे पास लिस्ट बड़ी लंबी लिस्ट है, वैसे तो आप जानते हो, फिर भी मैं चाहूँगा 2-3 मिनट में पढ़ के सुनाऊँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि नाथद्वारा में जिला अस्पताल बन गया। जिला अस्पताल किसे कहते हैं? बन गया।
जिला बनना ही बाकी रह गया। अगली बार जीतोगे जिला बन जाएगा आपका। और लगभग 70 करोड़ लागत से भवन बन रहा है उसका। शीशु का कल्ला नीरज बनेरिया कोठारिया धनेरिया में CHC मदारिया गवारडी उत्तरडा उपली आंडोन उडोन गुंजोल कोचीवाड़ा एवं समेल में PHC रेल मगरा खमदौर में कॉलेज नादारा योग आयुर्वेद कॉलेज खमदौर में ITI इतने हमने फैसले किए राजस्थान भर में। मैंने कहा MLA साहबान को कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। और CP साहब को तो मांगने युद्ध नहीं थी, इस तरह ही बहुत था इनका। तो नादारा अतिरिक्त सिविल न्यायिक कोर्ट NI एक्ट का स्पेशल कोर्ट रेल मगरा में वरिष्ठ सिविल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक कोर्ट खोला। वकील जानते हैं इसका क्या फ़ायदा है आपको, कितना फायदा, वकील भी जानते हैं पब्लिक भी जानती है कितना हमें इसका लाभ मिला। नाथद्वारा में सहायक कलेक्टर ऑफिस देलवाड़ा में तहसील खोला गया। डार्विन नगरी नाथद्वारा में बिजली लाइनों को भूमिगत किया गया। ये बहुत बड़ा काम होता है, भूमिगत बहुत कम जगह हुआ है राजस्थान के अंदर। आज भूमिगत बिजली लाइन चली गई। नाथद्वारा मंदिर में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए थाना खोल दिया गया। नाथद्वारा में 2 करोड़ की लागत से लघु कुश वाटिका बन रही है। सदापुरा में कुश्ती एकेडमी व खेल स्टेडियम बन रहा है। नाथद्वारा में ST छात्रावास बन रहा है। चारभुजा नाथद्वारा को धार्मिक पर्यटक सर्किट के तहत 6 करोड़ रुपये के विकसित कार्य किए जा रहे हैं। नाथद्वारा का पंद्रमा आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ये हमने घोषणा कर रखी है। जल देवी माता जी सांसेरा के भवनों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। नाथद्वारा में करीब 250 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल परियोजना में काम चल रहे हैं। करीब इतनी लागत की सड़कें, कहने का मतलब तो मैंने खाली उदाहरण दिया आपको। इसके अलावा भी जो आधुनिक बना है नाथद्वारा आपका, नेशनल हाईवे किसे कहते हैं, सड़कें चौड़ी हो गई आपकी सारी, कॉलेज शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली और तो 1 करोड़ लोगों को हम लोग बुजुर्गों को बूढ़े लोगों को पेंशन दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को राजस्थान पेंशन दे रहे हैं, अपंग लोगों को निःशक्तजनों को विधवाओं को 1000 रुपये पेंशन कर दी, पहले 500 रुपये थी 750 थी। और ये कानून बना दिया, अब सदी आगे पेंशन की बढ़ोतरी होगी, 15% प्रतिवर्ष होगी, अपना होती जाएगी, कानून बना दिया। इसका मतलब 1000 का 1.5 हज़ार भी होगा 2 हज़ार भी होगा बढ़ती जाएगी। ये सोशल सिक्योरिटी है जो हमने प्रयास किया देने का। इतने मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने तो कोई कमी रखी नहीं काम करने में, और इसीलिए आज हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि माए बाप तो आप हैं, कितने हम काम कर रहे हैं, फैसला जो आप सुनाते हो वो हम सबको मंजूर होता है। लोकतंत्र है जो दिया हुआ है महात्मा गांधी के ज़माने से ही, पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, आज 70 साल हो गए हैं, लोकतंत्र कायम है हमारे यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से काम हुए राजस्थान में, मैंने कहा चर्चा पूरे देश के अंदर है। महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना लेकर है, हर घर की जो महिला मुखिया है उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे प्रति बदलेंगे, मान सम्मान बना रहे घर के अंदर मुखिया का, छोटे मोटे खर्चों के लिए उनको तकलीफ नहीं हो। गैस सिलेंडर 500 रुपये दे रहे हैं हम लोग, अभी उज्ज्वला योजना को है, दायरा बड़ा करके हम बढ़ा रहे हैं, जो भी खाद्य सामग्री में एक्ट में आते हैं परिवार उन सब तक 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा आने वाले वर्ष के अंदर, नंबर 2। नंबर 3 गोधन गारंटी, ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में हुआ था, गोबर खरीदना सरकार द्वारा, जितनी गायों का है या तो भैंसे बहुत है,
छत्तीसगढ़ सरकार ने, मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, जो आवारा पशु फिरते हैं गलियों में वो बंद हो गए, क्योंकि सभी किसान पशुपालक गायों को रखने लगे अपने बाड़ों के अंदर। सरकार ने खुद ने बाड़े बनाए वहाँ पर, जिससे कि गोधन के माध्यम से आप गोबर खरीदे, सरकार खाद बनता है गोबर से, वो तो मालूम ही आपको, दवाई बनती है गौमूत्र से, और साथ में बायोमास बन जाता है। ये तमाम काम करने के लिए वहाँ इतनी बड़ी पॉपुलर योजना हुई है। हमने कहा हम लोग भी यहाँ गारंटी देते हैं कि सरकार आने पर सभी पशुओं का, जो गाय है भैंस है, पशुपालकों से सरकारी खरीद होगी, गोबर की खरीद होगी। ये हमने नया जो फैसला हुआ देखा मैंने, उससे इम्प्रेस हो गया, हम लोगों ने इश्यू किया यहाँ पर। चौथी गारंटी हमने दी है इंग्लिश पढ़ाने की। मैं खुद खिलाफ था इंग्लिश के पहले, बचपन के अंदर क्या काम आएगी इंग्लिश, और मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट कंप्यूटर आ गए, अगर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, सब बैठे हैं, अगर ये इंग्लिश सीख जाएंगी तो आज दिल्ली बम्बई लंदन अमेरिका कहीं काम कर पड़े इनका जाने का, पढ़ाई करने का, तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे ये लोग। तो हमने अभी प्रयोग किया था पिछली बार, जब शिक्षा मंत्री मिस्टर दोतासा जी थे हमारे शिक्षा मंत्री, तब स्कूलें खोली हम लोगों ने, लॉटरी खोलनी पड़ रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की, फ्री पढ़ाई हो रही है। प्राइवेट स्कूल में 50,000 फीस थी, 1,00,000 फीस थी, वो प्रयोग इतना सफल रहा हमारा। हम चाहते हैं हमारे राजस्थान के बच्चे, गाँव के भी, जो महंगी पढ़ाई है इंग्लिश स्कूल की, वो उनको फ्री मिले। तो हमने कहा जहाँ मांग होगी सब जगह इंग्लिश स्कूल, हिंदी के साथ में इंग्लिश स्कूल भी खोलेंगे, ये हमने वादा करने का तय किया है। एक हमने कहा जो 12वीं छात्र हैं, अभी जो विद्यार्थी 12वीं पढ़ते हैं, जब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, तब उन सबको एडमिशन के साथ साथ में लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला ये है, वो शुरू शुरू में पढ़ाई कर सकेंगे लैपटॉप से और इससे टैबलेट से, जो आईटी बेस बहुत उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। एक गारंटी दी है, जो बाढ़ आ जाती है, कई बार बिजली गिर जाती है, नुकसान बहुत होता है खेतों के अंदर किसानों को, और नॉर्म्स है वो बहुत कम पैसा मिलता है। तो हमने कहा कि 15,00,000 तक का बीमा हम कराएंगे, 15,00,000 तक का उनको मुआवजा मिल पाएगा, किसान को पहली बार मिल पाएगा, इस प्रकार से हमने कोशिश करी है। और अंतिम गारंटी है ओपीएस एक्ट वालों के लिए, जो ओपीएस एक्ट बनाया हम लोगों ने, उस एक्ट के अंतर्गत एक्ट नहीं बनाया है, अभी हमने आदेश जारी किए। अब हम चाहेंगे सरकार बने तो परमानेंट इलाज कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार मान नहीं रही इसको। हम चाहेंगे कि राजस्थान में ओपीएस एक्ट बन जाए, कोई सरकार चेंज नहीं कर पाएगी। ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा काम होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि आगे हम क्या सोचते हैं। वैसे तो मैनिफेस्टो बन रहा कांग्रेस का, वादे किए जाएंगे आपसे, डॉक्टर सी बी जोशी जी खुद उसके अध्यक्ष हैं कमेटी के, शानदार मैनिफेस्टो आएगा, शानदार क्रांतिकारी योजनाएं आएगी, और जो वादे हम करते निभाते हैं, ये हमारी साख जम चुकी है राजस्थान के अंदर। देखा होगा पिछली बार घोषणा पत्र था, 90% हमने पूरा उसको किया, जो बजट घोषणा मैंने करी हमेशा वो पूरी हुई है। 10 गारंटी दी हमने आपको, 1,80,00,000 लोग आए थे मंगेराज शिविरों के अंदर कार्ड लेने के लिए, और 7,80,00,000 के आसपास कार्ड बांटे गए हैं। मुझे कहते हो घर है, वो कार्ड बांटे नहीं गए हैं, वो स्कीम में लागू हो गई, उनका फायदा मिलने लगे लोगों को, ये स्थिति बन गई है। तो आज लोग जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, चुनाव चुनाव है, आप डॉक्टर सी बी जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से कामयाब करें, कोई कमी नहीं रहे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो काम आपके अधूरे हैं वो योजनाबद्ध तरीके से काम आगे भी होंगे, तेज गति विकास होगा, और आपके हर सुख दुख में साथी हम लोग बने रहेंगे, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको,
जो मैंने कहा गारंटी देने की बात की है वो पूरी होगी, और सीबी जोशी साहब के साथ साथ में रघुवीर मीणा जी बैठे हुए सिलंबर से, नारायण सिंह जी कैंडिडेट है राजसमंद के, योगेश परमार कैंडिडेट है आपके कुंभलगढ़ के, और सुदर्शन जी कैंडिडेट है आपके भीम के, तमाम लोग जीत के जाए यहाँ से तब सरकार बनेगी। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि शिकायत तो मुझसे भी हो सकती है, किसी से हो सकती है, पर दिमाग में रखिए आप लोग, अगर आप चाहते हो, अगर हमने काम किया वास्तव में, आप कन्विंस हो, क्योंकि बगैर आपके आदेश के तो कुछ हो नहीं सकता लोकतंत्र में, माई बाप आप लोग हैं, अगर सरकार बनवानी है आपको तो तभी बनेगी, तब हमारा एक एक एमएलए जीत के जाएगा, ये दिमाग में रखें आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे, आप सबका आशीर्वाद, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमारे साथ रहेगी तो सरकार अवश्य रिपीट होगी, मुझे पूरा यकीन है, ऐसा मैं महसूस भी करता हूँ। ही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत